खबर अब बाड़मेर के रामसर थाना क्षेत्र से, जहां चाडार गांव में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते अपने तीन मासूम बच्चों के साथ टांके में छलांग लगा दी। इस घटना में विवाहिता समेत दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे को सकुशल टांके से बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच प्रारंभ की। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अशोक शेरा इस वक्त मेरे साथ बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, काफी दर्दनाक हादसा, एक महिला अपने तीन बच्चों को लेकर टांके में कूद गई। दुर्घटनावश दो बच्चों के साथ में महिला की मौत हो गई, लेकिन एक बच्चे को यहां सकुशल निकाला गया है। फिलहाल क्या ये पूरा प्रकरण रहा, अशोक बताएं। देखिए जयती, ये बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के चाडार गाँव की घटना है, जहाँ पर कल रात को 8 बजे एक विवाहिता ने अपने तीन बच्चों के साथ टांके में कूद दी आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसमें उस विवाहिता सहित दो मासूम बच्चों की मौत हो गई और एक सबसे बड़े बेटे जो 7 वर्ष का था उसको आसपास के लोगों ने सकुशल निकाल दिया। जैसे ये टांके में कूदे तो आसपास के लोगों को उसकी आवाज आई, तो लोग वहां पर पहुंचे और वहां देखा तो तीन बच्चे और उनकी माँ टांके में कूदे हुए थे। तो लोगों ने आनन फानन में सभी को बाहर निकालने की कोशिश की, जिसमें से दो मासूम बच्चों के, जिसमें से एक बालिका है जिसकी उम्र 5 वर्ष है और एक बालक है जिसकी उम्र 20 माह है और उनकी माँ, तीनों की मौत हो गई थी और एक जो 7 वर्षीय बच्चा था उसको सकुशल बाहर निकाल दिया है। घटना की जानकारी के बाद रामसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा लोगों के सहयोग से शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। जी अशोक, क्या जानकारी, वजह क्या सामने आ रही है, महिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, क्या आसपास के लोग क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए जयती, अभी तक जो प्राथमिक दृष्टया बात सामने आई उसमें यह है कि पारिवारिक कलह कोई चल रही थी, जिसके चलते कुछ दिन पहले ही विवाहिता और उसके जो ससुराल पक्ष वाले लोग और उसके पति के साथ कोई अनबन भी हुई थी, जिसको लेकर पीड़िता पिछले कुछ समय से परेशान थी और ऐसी बात भी सामने आ रही है कि इस कारण के चलते विवाहिता ने इतना बड़ा कदम उठाया है। चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।